नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते ही हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फीस होती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वह वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए 20 फीट बाय 50 फीट का यह पूरा प्लॉट का एरिया है जिसमें देखेंगे तो 20 फीट जो है हमारा विड्थ है, मतलब फ्रंट जो है हमारा 20 फीट है और लेंथ में है हमारा 50 फीट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लेंथ है हमारी 50 फीट, 20 फीट बाय 50 फीट में पूरा प्लान हमने एडजस्टमेंट किया है। इसमें देखेंगे तो ये जो है इस साइड में हमारा रोड है और बाकी की जो तीनों साइड है तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है या दूसरों की जगह है। तो हमने हमारे प्लॉट में हमारा वेंटिलेशन एडजस्टमेंट किया है तो वो किस टाइप में किया है वो अभी आप समझ लीजिए। देखिए रोड है, रोड से जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें पार्किंग के लिए एरिया मिलता है तो 15 फीट 6 इंच लेंथ में मिलता है लगभग यहाँ से यहाँ तक और 7 फीट 5 इंच है यहाँ से यहाँ तक। तो एक कार जो है हमारी आराम से पार्क हो सकती है। उसके बाद में ये यहाँ पे छोटा सा ऑफसेट छोड़ा गया है, छोटा सा पैसेज छोड़ा गया है 4 फीट 4 इंच लगभग। तो ये हम छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह आप लगा सकते हैं या बाइक वगैरह पार्किंग के लिए भी ये जगह पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुंच जाएंगे और इस वरांडे से हम लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए, मतलब जो सीढ़ी है हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए ये स्टार्ट होने के बाद यहाँ से ऊपर ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ पे एक लैंडिंग आ जाएगी और यहाँ से फिर से ऊपर चली जाएगी और ये स्लैब पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो पार्किंग के ऊपर जो स्लैब रहेगा इसके ऊपर पहुँच जाएगा। तो स्टेयरकेस जो है ये स्टेयरकेस काफ़ी यूज़फुल रहती है अगर ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है या दूसरी फैमिली को यूज़ करना है तो, क्योंकि उनका आना जाना जो रहेगा वो बाहर से ही रहेगा, नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। बाद में एंट्री करते हैं यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा लिविंग रूम का और एक बड़ा सा विंडो हम लिविंग रूम को यहाँ से लगा सकते हैं। और लिविंग रूम का साइज़ जो है लगभग 13 फीट 2 इंच बाय 10 फीट का है, लगभग 13 फीट 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में 10 फीट है यहाँ से यहाँ तक। तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है, प्लॉट की विड्थ कम है तो विड्थ के हिसाब से 10 फीट सफिशियंट है क्योंकि किचन भी हमें एडजस्ट करना है। देखिए किचन है, उसके बाद में हम किचन में एंट्री कर सकते हैं। किचन का साइज़ जो मिल रहा है हमें लगभग 11 फीट बाय 8 फीट 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद में यहाँ पर जो पैसेज है हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसेज मिलता है लगभग 10 फीट का और इस किचन को यहाँ पे किचन ओटा बताया गया है और यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो हम लगा सकते हैं ताकि यहाँ से किचन को वेंटिलेशन मिल सके। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम है 10 फीट बाय 8 फीट 2 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 10 फीट बाय 8 फीट 2 इंच का। और उसके फ्रंट में ही देखेंगे तो यहाँ पर हमने टॉयलेट जो जनरल टॉयलेट बाथरूम है वो एडजस्ट किया है। यहाँ पर बाथरूम दिया गया है लगभग 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 8 इंच का और उसके बाजू में है लगभग 3 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का हमारा टॉयलेट है। तो यहाँ पे बाथरूम और यहाँ पे टॉयलेट दिया है, इन दोनों को वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है तो इनके पीछे एक ओपन डक्ट दिया है, मतलब ओपन टू स्काई रखा है। तो यहाँ से इस टॉयलेट को इस बाथरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ में इस रूम को एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है, इसको भी वेंटिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में हम एंट्री करते हैं हमारी दूसरी बेडरूम में। देखिए ये जो दूसरी बेडरूम है हमारे 10 फीट बाय 8 फीट 2 इंच का इस बेडरूम का भी साइज़ है, मतलब 10 फीट बाय 8 फीट 2 इंच का। और इस बेडरूम को पीछे के साइड में एक डोर बताया गया है और एक विंडो बताया गया है। ये जो डोर है इस गैलरी को यूज़ करने के लिए है, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे पूरा हमारी एक बालकनी रहेगी, गैलरी रहेगी, ये जगह हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पे स्लैब नहीं रहेगा इसलिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर यह जगह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है हमें स्लैब नहीं डालेंगे, छत नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा कि इस बेडरूम को और इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा क्योंकि इस साइड में हमारा प्लॉट नहीं है और ये जो है इस साइड में भी हमारा प्लॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें स्लैब नहीं डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्लैब डाल देते हैं तो बिल्कुल हमारा वेंटिलेशन पैक हो जाएगा, इसलिए हम याद रखिए यहाँ पे हमें ओपन डक्ट रखना है। अगर आपके प्लॉट में इस साइड में जगह है या इस साइड में जगह है तो बिल्कुल आप यहाँ पे भी स्लैब डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेडरूम आप समझ लीजिए, समझी है आपने, 10 फीट बाय 8 फीट 2 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है और डोर और विंडो दिया है। और लास्ट वाली बेडरूम देखेंगे, मतलब तीसरी बेडरूम जो है हमारी 10 फीट बाय 10 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट का, काफ़ी बढ़िया साइज़ है प्लॉट के हिसाब से। और इसे हम मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं क्योंकि इसको एक अटैच वाला बाथरूम दिया गया है, 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 8 इंच का इस अटैच वाला बाथरूम का साइज़ है। तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है प्लॉट के साइज़ के हिसाब से। और इसको एक विंडो दिया है इस साइड में क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन डक्ट रखा है, तो यहाँ से
बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो इस टाइप में ये 20 फीट बाय 50 फीट का पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें देखेंगे तो लगभग 3 बेडरूम हमने एडजस्ट किया है, एक किचन एडजस्ट किया है, एक हॉल किया है, टॉयलेट बाथरूम भी सेपरेटली दिया है, एक बेडरूम को अटैच भी टॉयलेट बाथरूम दिया है, कार पार्किंग के लिए भी पोर्शन दिया है, स्टेयरकेस भी सेपरेटली दिया है। अगर ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है या सेम प्लान रिपीट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस टाइप में काफ़ी बढ़िया और सिंपल सा प्लान हमने बनाया था। आशा करता हूँ कि यह प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको लगता है इस प्लान से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ यह फॉरवर्ड ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हो सके तो ये प्लान शेयर ज़रूर करें। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।